हे गाइस, बिट्टू बैटी है। आज का वीडियो कुछ अलग है क्योंकि आज मैंने ऐसे ही ऐसे अपना गेम ऑन करके ना अपनी सेकंड आईडी जो मेरा गेस्ट अकाउंट था, मेरा खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अपना ऑन करके ऐसे ही ड्रेस चेंज कर रहा था, फिर वर्ल्ड चैट में अचानक से अज्जू भाई मैसेज करते हैं कि कोई नूब है तो आ जाओ 1v1 में। अरे बाबा, मतलब गाइस देख रहे हो अज्जू भाई कितने ज्यादा डेंजर बन चुके हैं। वर्ल्ड चैट में भेज रहे थे कोई नूब है तो आ जाओ 1v1 में। फिर मैंने इसका प्रोफाइल इंस्पेक्ट किया इस बंदे का, एंड ये बंदा भाई काफी बहुत डेंजर था। मेरे को लग रहा था शायद ये हैकर है एंड ऐसा वैसा कुछ, तो मैंने लिख दिया अज्जू भाई नूब किसको बोल रहे हो, मतलब नूब किसको बोल रहे हो, ऐसा वैसा करके मैंने वर्ल्ड चैट में लिख दिया। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ना तो इससे वर्सेस करना था ना कुछ करना था। एंड भाई वो बंदा लिखता है कि तुम्हें भाई मेरे से वो भिड़ने लग गया, मेरा कोई इच्छा भी नहीं थी उससे लड़ने का। फिर मैंने बोला भाई अकड़ किसको दिखा रहे हो, मैं फिर हूँ। फिर वो बोलता थोड़ी देर में फिर आ जा 1v1 में। मैंने वर्ल्ड चैट में जैसे ही अपना रिक्वेस्ट डाला, भाई गाइस अब भी आप देखना, मतलब ये बंदा ठीक है कि एक लड़की मेरे को मिल गई थी, फिर मैंने उसको भी रिक्वेस्ट डाल दिया, वो बात अलग है यार, उस पर कोई ध्यान मत देना। अज्जू भाई को जैसे ही मैंने ग्रुप में बुलाया, अज्जू भाई माइक ऑन नहीं कर रहे थे, मैंने भी माइक ऑन करके बात करने का ट्राई किया तो उनका माइक ऑन नहीं हो रहा था। एंड गाइस मैं सोचा कि वो शायद टीम में मैसेज करेगा, एंड मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला क्योंकि तुम्हारा माइक कभी गलत हो ही नहीं सकता। फिर ऐसे ही मैं वॉल्ट में गया, मैंने सोचा थोड़ा ड्रेस वगैरह चेंज कर लेता हूँ, इतने में मैंने सोचा। फिर वो कहता कि रुक मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ, बुलाती हूँ, शायद वो बंगाल से था या लड़की थी, मेरे को अभी तक स्टिल नहीं पता। हो सकता है अज्जू भाई की आईडी से अज्जू भाई की गर्लफ्रेंड खेल रही हो, उसने टीम कोड मेरे से जनरेट करवाया था एंड बोला अपनी दोस्त को बुलाती हूँ। फिर गाइस मैं क्या देखता हूँ, ग्रुप में एक आता सीजन 7 एलीट पास, मतलब इसका दोस्त आता है जिसका नाम था इर्ज़बी के, वो 70 लेवल का था। एंड ये मेरा सेकंड अकाउंट था, मैं आप लोगों को बता दूं, जस्ट गेस्ट टाइप का बोल सकते हो, तो इसका लेवल 57 था। एंड यहाँ पे मैं खेलने के मतलब से नहीं आया था। ये बोलता है इस नूब से वर्सेस करने के लिए बुलाया है, मतलब अज्जू भाई या अज्जू भाई की गर्लफ्रेंड जो भी है वो फोन करके बोलता होगा अपने दोस्त की, आ जा यार एक नूबड़ा मिला, ऐसा वैसा कुछ। तो मतलब क्या क्या बोला मेरे को खुद नहीं पता था, मैंने भी बोल दिया कि नूब नहीं हूं मैं। एंड इस वाली आईडी में मेरा नाम बेटू वाईटी भी नहीं है, वाईटी बेटू 999 था। एंड ये मेरे को गाली वाली देने लग गया कि नूब औकात मेरा, नकली बेटू वाईटी कहीं का। एंड गाइस तो भाई मैं नकली तो हूँ नहीं, ठीक है। एंड फिर वो मेरे को बोल रहा था कि मेरे दोस्त का लेवल देख, तू अपना लेवल देख। भाई यहाँ पे मेरे को दिल पे लग गया, मैं कस्टम सीधे बनाया 1v2 करने के लिए स्टार्ट कर दिया। एंड वो लोग कस्टम में भी मेरे को बोल रहे थे नूब कहीं का स्टार्ट करना। फिर क्या था, तुम्हारे भाई ने सीधा कस्टम स्टार्ट कर दिया 1v2 के लिए। एंड तुम्हारा भाई देखो खेलने के मतलब से तो आया थी नहीं, आया नहीं था। एंड आप लोगों ने मैसेज वगैरह से देख लिया होगा, ये बात है करीब रात के 1 या 2 बजे, यहाँ पे मेरे को सीजन 7 एलीट पास यानी कि बीके, इसका नाम बीके है तो मैं बीके बोलूंगा, एंड सामने वाले अज्जू भाई है तो उनका नाम अज्जू भाई बोलूंगा। अज्जू भाई एंड बीके मेरे को रश मार रहे थे, तो मैं यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा बचते हुए खेल रहा था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ना तो इस आईडी मेरे पास कोई स्किन्स थी, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे कैरेक्टर स्किल भी मैक्स नहीं थे क्योंकि मेरे कैरेक्टर ये मेरा सेकंड आईडी, इस पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ। एंड रिसेंटली मैंने लिया, मेरे फ्रेंड है, आप लोग जानते होंगे जो इतना बड़ा नूब प्लेयर है सिखारियो मेरी गर्ल में, उससे ले रखा है, तो मैंने नेम वगैरह चेंज कर रखा है, तो मैक्स वगैरह अभी नहीं है। यहाँ पे मैं सीधे डाउन कर देता हूँ बीके को जो कि ज्यादा उछल रहा था अपने लेवल को लेकर, 70 लेवल है बल्कि जबकि बंदे का। फिर मैं ग्लू के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे अज्जू भाई रिवाइव कर देते बीके को, मेरे को पता था वो रिवाइव कर रहे, तो मैं मौका देख रहा था। जैसे ही बीके रिवाइव हुआ मैंने उसको 1 टैप मारा, फिर मैं सीधे लग गया अज्जू भाई के पीछे। आप देख रहे हो कितना खतरनाक मैं खेल रहा हूँ, अज्जू भाई सोच रहे होंगे भाई क्या तो खेल रहा है बंदा, मतलब गलत बंदे से तो पंगा नहीं ले लिया। फिर मैं अज्जू भाई को भी सीधा फिनिश कर देता हूँ 1v2 में, मैंने दोनों को मार दिया। यहाँ तब सब ठीक था, ठीक है। अगले राउंड में लेके आता हूँ यूएमपी, एंड यूएमपी लेने के बाद मैं जाता हूँ जैसे ही ऊपर, तो गाइस यहाँ पे सीन बिगड़ जाता है। अज्जू भाई को यहाँ पे मेरे सीधे रश मारने आता है। एंड ये अज्जू भाई की एक खासियत थी, मस्त ग्लू वॉल लगा रहे थे, मतलब मेरे से भी अच्छा बोल सकते हो, मैं भी इतना कह सकता हूँ। यहाँ पे मैं उनको एक हेड मारा था, एंड उसके बाद मैं अपना स्कैलर तोड़ता एक और हेड मारा था, तो अब यहाँ से मेरे को लगा शायद मेरा फर्स्ट फेक डैमेज आया था, या हो सकता है अज्जू भाई भी यहाँ स्कैलर हो। तो यहाँ पे मैंने अज्जू भाई को डाउन किया एंड सीधा बीके पे रश मारने के लिए निकल गया। यहाँ पे मैं बहुत गंदा वाला ड्रैग मार रहा था, मतलब नाइट में मेरा एम थोड़ा सा भटक रहा था, एंड मेरा पीसी कंटिन्यू 2-3 दिन से ऑन था, तो उतना अच्छा सेंसिटिविटी नहीं था, मतलब एक बार रिस्टार्ट तो मांग रहा था मेरा गेम, बट तुम्हारा भाई खेल रहा था। फिर मैंने सोचा इस राउंड में इसको मुक्के से मारूंगा, एंड धीरे धीरे मुक्के से मारते मारते बहुत ढील हो गई, एंड ये नूबड़ा मेरे को अभी तक नहीं मार पाया। फिर लास्ट में जाके जोन इतना छोटा हो गया तब मेरे को मारता, एंड मेरे को इमोट दिखाने लगा। भाई यहाँ पे मेरे को गुस्सा आने लगी, मतलब खेल रहे हो ठीक है यार, नूब वगैरह बोलते हो उतना भी ठीक है, इमोट वगैरह दिखाने की क्या जरूरत है, मतलब इमोट दिखा के क्या ही मिल जाता है लोगों को। एंड फिर अगले राउंड में मैंने तुम्हारे भाई ने डेजर्ट नहीं ली, मैंने सोचा इन लोगों को बहुत गंदा मारूंगा, तो मैंने पिस्टल ली थी ताकि इन लोगों को भी औकात पता चल रही थी, ज्यादा उछल रहे थे यार, बट मेरे को इतना गंदा डैमेज पड़ा। तो तुम्हारा भाई जल्दी से कवर लेता है, एंड सबसे पहले तो हील करना स्टार्ट करता है क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कितना ज्यादा प्रो है, बट फिर भी घमंड नहीं करता, ठीक है। बट इन लोगों को तो दिखाना पड़ेगा ना मैं कितना अच्छा खेल लेता हूँ। अगेन तुम्हारा भाई यहाँ पे बीके पे रश मार देता है, एंड एकदम रेड नंबर के साथ, मतलब इस वाली पिस्टल से मैं रेड नंबर से फिनिश कर देता हूँ, जबकि बंदे के पास डबल बैरल वगैरह था। तो सोच सकते हो तुम्हारा भाई कितना गंदा खेल रहा था, अज्जू भाई यहाँ पे तक मतलब छुप छुप के खेल रहा था डबल बैरल के साथ। तो मेरे को समझ में आ गया था अज्जू भाई मेरे को मार सकते हैं, मेरे को डबल बैरल की जरूरत पड़ेगी। एंड जब पता यार तुम लोग जितने बंदे मेरे पुराने वीडियो देखते हो, जब तुम्हारे भाई को डबल बैरल या फिर यूएमपी मिलते हो तो तुम्हारा भाई कितना गंदा खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई सीधे रश मार देता है, अज्जू भाई को एक हेड देता है एंड कवर लेता है, एंड यहाँ पे
मैं वीके को फिनिश करने के बाद मैंने सोचा उससे डबल बैरल वगैरह कुछ ले लेता हूँ, एंड मैंने ले ली। अब तुम्हें पता तुम्हारा भाई कितना गंदा खेलने वाला, क्योंकि जब डबल बैरल हाथ में आती है तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता। तो सेम वैसा ही हुआ, जैसे ही डबल बैरल मेरे को मिली मैं सीधा रश मारने चला जाता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो अर्जु भाई कितना गंदा मूवमेंट दिखा रहे हैं, बट मेरा एक बॉडी आता है, बट कोई ना थोड़ा बहुत मिस हो सकता है क्योंकि तुम्हारा भाई फेयर प्लेयर है ना, पैनल यूज नहीं करता, हैक यूज नहीं करता, बट स्टिल एक आध बॉडी भी चलेंगे। लेकिन हाँ, कंटिन्यू रेड तो नहीं मारता ना मैं पैनल यूजर्स की तरह। बट गाइस इस गेम के अंदर एक वक्त एक शॉट मैंने ऐसा मारा है ना, मतलब जो कि इम्पॉसिबल है। एंड आप लोग जब वो शॉट देखोगे तो पक्का भाई कमेंट में पैनल यूजर या हैकर वगैरह लिखने लगोगे। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भाई मेरे को खुद नहीं पता मैंने इतना अच्छा शॉट कैसे मार दिया। यहाँ पर जो भाई मैं रश मारने जाता हूँ सीधा यहाँ पे उनको वन टैप के साथ फिनिश कर देता हूँ बहुत ओपी तरीके से। अगले एक दो राउंड में हारता हूँ तो फिर अगले राउंड में आता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने अज्जू भाई को एक वन टैप मारा, मतलब मिक्स पड़ा था ये वाला, ठीक है। एंड अगेन मैं उस पर रश मारने जाता हूँ, अज्जू भाई को अगेन वन टैप के साथ पूरा डाउन कर देता हूँ, प्योर रेड नंबर। बट यहाँ पे जो बीके था यानी कि सीजन 7 एलीट पास जो अपने बहुत ज्यादा प्रो समझ रहा था, यहाँ पे मेरा एक सीन हो गया। इस बंदे को मैंने एक वन टैप मारा तो मेरे 51-51 के डैमेज पड़े। एंड अगेन जब एक और बार वन टैप मारता तो मतलब एक एक सिंगल सिंगल डैमेज पड़ता था, तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी डबल बैरल के ऊपर, क्योंकि अपडेट के बाद से डबल बैरल की नॉर्मल स्किन बहुत घटिया हो चुकी है। आपको पता होगा मेरे पास कोई स्किन भी नहीं है गन के अंदर, तो तुम्हारा भाई कितना ही तो प्रो खेल सकता है। एंड वो सीजन 7 एलीट पास है भाई, जो इतना उछल रहा था अपने लेवल को लेकर, जिसका नाम एड्स भी कहता। एंड आपको एक और बात बता दूं, शायद आपको नहीं पता, आपको लग रहा होगा मेरा ग्रुप में माइक ऑन था स्टार्टिंग में, बट ऐसा नहीं है, माइक ऑन था बट मैं कुछ बोल नहीं रहा था, एंड इसलिए इन लोगों को मेरी आवाज मैंने सुनाई नहीं। एंड यहाँ पे मैंने डबल वैरल के मारने के बाद जो डेजर्ट से मारा ना, इम्पॉसिबल शॉट था, ठीक है। अगला सीन क्या हुआ, मैं वुडपैकर लेके रश मार देता हूँ। एंड अभी मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, पहले तो यहाँ पे मैं अज्जू भाई को सीधा डाउन लूंगा, उसका जो बच्चा लास्ट वीक है उससे मैं मजे लूंगा, उसको तो बहुत ईजी तरीके से मारूंगा, इतने मक्खन की तरह मारूंगा ना, मतलब किसी ने सोची ना होगी। पहले बच्चे हमारे अज्जू भाई, तो अज्जू भाई को पहले लेना बहुत जरूरी है। अज्जू भाई मेरे को दिख नहीं रहा, जैसे वो मेरे को दिखेंगे तुम्हारा भाई उनको वन टैप ले जाएगा। फिर मेरा थोड़ा शॉट मिस हुआ, मेरे को नहीं पता कैसे, बट यहाँ पे अज्जू भाई को मैं ले गया, अगेन बच्चा भी के। बट उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, लॉबी के अंदर ये लोग बोल रहे थे बट मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला, ठीक है। तो ये लोग टाइप करके बोल रहे थे, मैंने इनको आवाज इसलिए अभी तक नहीं सुनाई थी क्योंकि मेरे को लास्ट में रिएक्शन भी तो चाहिए था ना। एंड आपको पता होगा ये बंदे बोल रहे थे कि मैं नकली बेटू आई थी, इसलिए मेरे को नूब हैकर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक था, अभी मैंने इसको एक फेक डैमेज दे दिया है, मतलब एक डैमेज पड़ा था फेक आया था, तो ठीक है। यहाँ पे मैं इस बंदे को बहुत अलग तरीके से मारने वाला हूँ, मैं ये फिंस बोलते हैं इनको, फेसिंग क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, इनके पीछे जाता हूँ। एंड यहाँ से मैं जंप करके ट्राई करने का शॉट मारता हूँ, एंड जैसे ही बीके लेफ्ट साइड में आता है, मैं पहले तो इसको नॉक वाले में ड्रैग मारने चला था, बट मैं कहता हूँ चलो छोड़ो बीके, बीके को भाई यहाँ से जंप करके मार देता हूँ, मतलब इतना गंदा हेडशॉट कोई कैसे मार सकता है। बट यहाँ पे वो लोग 6 राउंड जीत गए थे, मैं 5 राउंड जीत गया था। बट यहाँ पे मैं अगली बार MP40 लेके आता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा भाई कितना गंदा MP40 चलाने वाला है, एंड डबल वैरल भी, क्योंकि इसमें MP40 की अच्छी स्किन नहीं है, एंड ये फ्री वाली स्किन है जो कि काफी अच्छी है, जो डबल रेट ऑफ फायर देती है। एंड तुम्हारा भाई वैसे बहुत गंदा खेलता है, यहाँ पे वन टैप मारता है डबल वैरल का। एंड भाई इतिहास का भाई, जब भी बेटू को किसी ने इमोट दिखाया है कोई जिंदा बच नहीं पाया, कस्टम में जीत भी नहीं पाया, MP40 से प्योर रेड के साथ भर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको लग रहा होगा मैंने नॉर्मल शॉट मारे, बट इस गेम के अंदर इस राउंड के अंदर आप मेरा MP40 देखना, मतलब इतना दूर से मैंने इतने गंदे रेड नंबर्स मारे ना, यहाँ पे तो गए 16-17 कितने गंदे गंदे रेड नंबर्स मारे, मैं लिमिटेड ड्रैग कर रहा था, यहाँ पे गए प्योर रेड नंबर, सिंगल येलो नहीं आया, वो भी इतना दूर। अकर इस मोमेंट पे पक्का ये बंदा मेरे को सोच रहा होगा कि मैं हैकर हूँ, क्योंकि MP40 से इतना दूर मारना भाई लगभग इम्पॉसिबल है। अब बचे थे हमारे अज्जू भाई, तो इन पे मैं भाई इजीली रश मार देता हूँ, एक दो इनसे MP40 से भी रेड मारूंगा। एंड बाकी मैंने डिसाइड किया था इनको डबल बैरल से मारने का, एंड भाई फिर ठीक है मैं डबल बैरल से इनको फिनिश कर देता हूँ, भाई मजा आ जाता, ठीक है, कस्टम राउंड जीत के। एंड फिर जब मैं ग्रुप में जाता हूँ तो ये बोलते हैं कि तू हैक यूज करता है ये वो, फिर मैंने दोनों को फ्रेंड लिस्ट से निकाल दिया। आपको पता होगा मेरी फ्रेंड लिस्ट में ये नहीं थे, कस्टम बनाने के लिए सिर्फ मैंने इनको फ्रेंड लिस्ट में लिया था, एंड मैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं उनको अपनी वॉइस सुना के बात करता हूँ कि भाई तुम लोग ऐसा कर रहे हो भाई, फिर ये लोग बोले लगते हैं बिग फैन सर जी, बिग फैन ये वो। स्टार्टिंग में आपने देखा था कि ये लोग बोले थे नकली है भाई, तू नकली बेटू आई थी एंड ये वो, तो भाई मैं सोच रहा हूँ भाई एक पल में पलट गए ये लोग, ठीक है। अब ये लोग बोलते हैं कि भाई आप थे क्या, मतलब बीके जो सीजन 7 एलीट पास था वो बोला था आप थे क्या स्टार्टिंग में, मेरे जबकि नकली बोल रहा था, ठीक है। अब ये बंदा माइक ऑन था इनका भी, ये लोग बोल रहे थे कि भाई मेरे को पता था कि असली बेटू आई थी इतना अच्छा खेल सकता है भाई, ठीक है यार, मैंने इनको फ्रेंड से रिमूव कर दिया। एंड मैं बोलता हूँ मेरा सेकंड आइडिया ऐसा वैसा, ठीक है। एंड ऐसे किसी नुबड़े को अब्यूज मत किया करो, नो प्लेयर को, वो स्टार्टिंग के होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।